दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड कुछ इस तरह दिखता है, जो कि वर्चुअल कार्ड है। बजाज फिनसर्व ऐप को कैसे रजिस्टर करना है, कार्ड कैसे बनाना है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड है। नीचे की तरफ व्यू ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे कार्ड का डिटेल्स दिखाई देगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यहाँ पे कार्ड लिमिट, कार्ड को ब्लॉक, अनब्लॉक, स्टेटमेंट, फॉरगॉट पिन सब कुछ कर सकते हैं और नीचे की तरफ सारा कुछ चार्जेस भी देख सकते हैं। तो इस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए और एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व वॉलेट। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए इस ऐप को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपके बजाज कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है सेम मोबाइल नंबर डाल के आपको लॉग इन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे ऐप इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे स्किप कर देंगे या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्किप करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अलाउ करेंगे, कुछ परमिशन मांगता है। यहाँ पे लोगो जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साइन अप का ऑप्शन है, लॉग इन का ऑप्शन है। क्लिक करेंगे सिंपली लॉग इन के ऊपर। लॉग इन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पे डाल देंगे और करेंगे सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। अगर सिम कार्ड इसी मोबाइल में है तो ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है, मैं ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 964839 964839 यहाँ पे डाल दिया और करता हूँ प्रोसीड। आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, योर बजाज ईएमआई नेटवर्क कार्ड इज रेडी। यहाँ पे ओके करेंगे और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ईएमआई का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप ऐड नहीं किए होंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपली नीचे की तरफ क्लिक करेंगे सी ईएमआई कार्ड नाउ के ऊपर। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड है दिखाई देगा। यहाँ पे अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद परमिशन मांगता है, फिर से अलाउ करेंगे और आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर नाउ, यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफर नाउ के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से और आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यूपीआई आईडी है। अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल देंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट पर जो भी नाम है और आईएफएससी कोड डालेंगे और करेंगे कंटिन्यू। अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरा यूपीआई आईडी मैं डाल देता हूँ और यूपीआई आईडी डालने के बाद सिंपली करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद दिखाई देगा वेरीफाइंग यूपीआई आईडी। यहाँ पे आपके सामने आपका नाम आ जाएगा, यूपीआई आईडी मतलब बैंक अकाउंट में जो भी नाम है। यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, जितने भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, और यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपका कार्ड डिटेल्स डाल देना है। यहाँ पे कार्ड अगर ऑलरेडी ऐड है तो दिखाई देगा, नहीं तो मोर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बजाज कार्ड का डिटेल्स डाल के सिंपली सेंड ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और सक्सेसफुली बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। सबको दिखा दिया पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।